हेलो फ्रेंड्स, लीनियर एल्जेब्रा में स्पेसेस एंड डायमेंशन चैप्टर सेकंड चैप्टर की 2.4 एक्सरसाइज आज हम शुरू कर रहे हैं। एंड इसमें टॉपिक है आइडेंटिकल स्पेसेस। सो पहले एक्सप्लेन करते हैं, दो वेक्टर स्पेसेस आपके पास हैं वी एंड डब्ल्यू, जिनकी डायमेंशन सेम है, वो आइडेंटिकल कहे जाएंगे इफ एंड ओनली इफ ईच इज अ सबस्पेस ऑफ द अदर, एक दूसरे का सबस्पेस हो। ठीक है, क्योंकि एक को एक दूसरे का सबस्पेस बनना है तो मेक श्योर कि वो सेम फील्ड पे आपके पास दो वेक्टर स्पेसेस डिफाइन हो। सो ये डेफिनेशन यूज करते हुए हमने ये फर्स्ट एक एग्जांपल है जिसमें हमें प्रूव करना है कि एक वेक्टर स्पेस है वो जनरेट होता है, स्पैन होता है वी वन वी टू वी थ्री, ये तीन वेक्टर यहाँ दिए हुए हैं, एंड अनदर वेक्टर स्पेस है वो स्पैन होता है इन दो वेक्टर से डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू से। सो हम नाम दे देते हैं इन्हें कि लेट वी वेक्टर स्पेस है जो जनरेट होता है इस सेट से, ठीक है, जिसमें वेक्टर है वी वन वी टू वी थ्री। वेट, एल वी वन वी टू वी थ्री वेक्टर्स का एक सेट है, उससे जनरेट हो रहा है बी, और डब्ल्यू वेक्टर स्पेस जनरेट हो रहा है आपका डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू से। अब क्योंकि इन दोनों वेक्टर स्पेसेस को आइडेंटिकल शो करने की बात है यहाँ पे, सो इनके डायमेंशन ऑब्वियसली सेम होनी चाहिए। सो या तो देखिए इनकी डायमेंशन टू हो सकती है बिकॉज इसमें टू वेक्टर हैं और यहाँ पे थ्री, थ्री तो नहीं हो सकती डायमेंशन, या तो वन हो सकती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अभी इन वी वन वी टू वी थ्री में से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को यहाँ पे चूज करना है। क्या चेक करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन एल आई वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस, बिकॉज हमें पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स से ज्यादा वेक्टर्स भी अगर किसी सेट में रखे हैं तो भी वो स्पैन कर देते हैं वेक्टर स्पेस को। एल आई वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस वी आर कैसे पता लगेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स भी आप पता कर सकते हैं। सो वन टू वन, वन टू थ्री एंड थ्री सिक्स फाइव, तीन रो ऑपरेशन, आर टू माइनस आर वन और आर थ्री टाइम्स माइनस थ्री टाइम्स ऑफ आर वन, ये दो रो ऑपरेशन यहाँ लगाने के बाद हमारी मैट्रिक्स बनेगी वन टू वन जीरो जीरो टू जीरो जीरो टू, देन आर थ्री माइनस आर टू करने पे हमारे पास हमारी मैट्रिक्स आ गई है। इसका मतलब है दो ही वेक्टर, जो फर्स्ट टू वेक्टर हमने लिखे हैं बीज टू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, सो एल आई वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस वी वन आर वी वन एंड वी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट, दो वेक्टर मिल गए। इसी तरह से आपने डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू को भी चेक करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस डब्ल्यू। अब देखिए डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू एक अगर दूसरे का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि दो ही वेक्टर हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के चांसेस कब हैं, जब एक दूसरे का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, कैसे दिखाते हैं इस चीज को, w1 is not equals to some scalar times w2, therefore the set w1 or w2 is linearly independent। span कर रहे थे ये दोनों सेट v और w को, ठीक है, और ये linearly independent भी हमने चेक कर दिया। इसका मतलब है this set ये basis हो गया of v and this set is basis of w। अब देखिए जो आइडेंटिकल दिखाने के लिए क्या करना है, एक दूसरे का सबस्पेस हो, वी डब्ल्यू का सबस्पेस हो और डब्ल्यू वी का सबस्पेस हो, ये चीज शो करनी है। एक पार्ट में आपको बताती हूँ कि ये इसका सबसेट कैसे शो करना है। तो कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर यहाँ वी से मानना है आपने और वो डब्ल्यू के अंदर जाना चाहिए। इसके लिए लेट एक्स वाई जी बिलोंग्स टू वी बी एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर, कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर है। अब क्योंकि v की बेसिस हमें पता है दैट इज दिस,
एक्स वाई जी इज सम ए टाइम्स ऑफ वी वन प्लस सम बी टाइम्स ऑफ वी टू लिखी जा सकती है, बिकॉज ऑफ बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में हर एलिमेंट लिखा जा सकता है। अब वी वन और वी सो वी वन वी टू और डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू में हमें कोई रिलेशन चाहिए तो वो तभी पॉसिबल है। देखिए इस एलिमेंट को क्लेम क्या करना है, हमने प्रूव क्या करके बताना है कि दिस ये जो एक आपने आर्बिट्रेरी एलिमेंट बी से लिया है ये डब्ल्यू में बिलोंग करे। डब्ल्यू में बिलोंग करेगा तो क्या होगा, डब्ल्यू के बेसिस एलिमेंट्स जो है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब हम क्या बता पाए वी वन वी टू के लीनियर कॉम्बिनेशन की जगह डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी वन को क्या हम वी वन मीन्स वन टू वन, क्या वी वन को हम इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। वन टू वन इज इक्वल्स टू से सम अल्फा टाइम्स दिस डब्ल्यू वन बीटा टाइम्स दिस डब्ल्यू, ये हमने करना है। वी वन इज इक्वल्स टू से अल्फा टाइम्स डब्ल्यू वन बीटा टाइम्स डब्ल्यू टू, ये हम चेक कर रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। सो वी वन है हमारे पास वन टू वन, अल्फा टाइम्स डब्ल्यू वन इज जीरो जीरो वन, बीटा टाइम्स टू फाइव डब्ल्यू टू, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बीटा टू बीटा अल्फा प्लस फाइव बीटा इक्वल्स टू वन टू वन। सो बीटा की वैल्यू आ गई है वन एंड अल्फा की वैल्यू लास्ट इक्वेशन से सिंप्लीफाई करके आ गई है माइनस फोर। इसका मतलब हो गया वी वन इज इक्वल्स टू माइनस फोर टाइम्स डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। इसी तरह से यहाँ वी टू को भी हमने चेक करना है कि क्या वी टू भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू की, तो इसके बाद इस तरह से तो यहाँ वी टू की वैल्यू लगाएंगे एंड पावर वी टू इज वन टू थ्री, तो यहाँ रखेंगे वन टू थ्री जैसे यहाँ रखा था। सो वी टू की वैल्यू जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगी हमारे पास माइनस ट्वाइस डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, ठीक है। तो इसका मतलब है वी वन वी टू डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। फिर हमने एक चीज और चेक करनी है कि देखिए अब ये अगर लिखे जा सकते हैं तो वी वन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू वन कितने लिखेंगे, माइनस फोर डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू वी टाइम्स ऑफ वी टू की वैल्यू माइनस टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। सो दिस विल बिकम माइनस फोर ए माइनस टू बी डब्ल्यू वन प्लस ए प्लस बी टाइम्स डब्ल्यू टू। तो ये कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो बी से था, अब ये डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू मतलब कैपिटल डब्ल्यू के भी वेक्टर बेसिस वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इट मीन्स दिस एक्स वाई जी एलिमेंट किस में बिलोंग करता है, हेंस क्या बोल सकते हैं बी सब स्पेस है डब्ल्यू का, ठीक है। लाइक वाइज सिमिलरली अब आपने क्या करना होगा, कोई एक्स वाई जी या कोई और एलिमेंट ले लो डब्ल्यू से उठाना है, मतलब है डब्ल्यू के वेक्टर्स बेसिस वेक्टर्स दैट इज ए टाइम डब्ल्यू वन बी टाइम डब्ल्यू टू लिखा जा सकता है। अब क्या करना होगा, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू को इन इक्वेशन की हेल्प से भी आप डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू की वैल्यू वी वन वी टू में निकाल सकते हैं। क्या दिखाना है, सम स्केलर टाइम वी वन सम स्केलर टाइम वी टू, तो ये बिलोंग कर जाएगा आपका वी में, तो डब्ल्यू सबसेट हो जाएगा निकल, ये आपने कंप्लीट करना है। इन दोनों की हेल्प से हम क्या बोल सकेंगे, इन दोनों रिजल्ट से कि वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, बोथ आर आइडेंटिकल। आई होप क्लियर है ये। नेक्स्ट देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डायमेंशन ऑफ लीनियर सम। सबसे पहली बात लीनियर सम ये डेफिनेशन आई थी, लीनियर सम का क्या मतलब होता है, दो वेक्टर स्पेस हैं तीन हैं जितने वेक्टर स्पेस हैं उनका लीनियर सम मीन्स सेट विच कंटेन्स फर्स्ट एलिमेंट डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू वन से सेकेंड एलिमेंट डब्ल्यू टू से, ठीक है। उनका सम डब्ल्यू वन बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू, बस सिंपली यही चीज। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, फाइनाइट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस है तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू माइनस डायमेंशन ऑफ देयर इंटरसेक्शन, ठीक है। डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इज ऑल्सो वेक्टर सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू वन का भी और डब्ल्यू टू का भी, ये हमने देखा था, ठीक है। तो ये डायमेंशन यहाँ पे लीनियर सम की होती है। इसका प्रूफ भी काफी इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे, पर पहले कुछ प्रॉब्लम्स इस पे देखेंगे हम।
अब एक बार देखिए कि डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम भी यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। डायरेक्ट सम का क्या मतलब होता था, वी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और वो उसके दो सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट थिंग इज वी कैन राइट वी एज लीनियर सम ऑफ डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू, पहला पार्ट तो ये डायरेक्ट सम का मतलब। एंड सेकेंड थिंग इज डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इज सिर्फ जीरो एलिमेंट होना चाहिए उनके इंटरसेक्शन, ये डायरेक्ट सम की डेफिनेशन होती है राइट। अब देखिए क्योंकि डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू बी की डायमेंशन निकालने का मतलब यही है कि डायमेंशन आपने किसके निकालनी है, डब्ल्यू वन डायरेक्ट सम डब्ल्यू टू, तो उसकी कितनी होती है डायमेंशन डब्ल्यू वन डायमेंशन डब्ल्यू टू, ठीक है, वी का मतलब यही है। अब देखिए वी डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, ठीक है, अब यहाँ अगर डायरेक्ट सम होता तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन डायरेक्ट सम डब्ल्यू टू तो ये हो जाता डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू। और क्योंकि डायरेक्ट सम की डेफिनेशन हमें पता है डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू, अगर सिर्फ सिंगल एक जीरो एलिमेंट रहता है तो उस केस में उसकी डायमेंशन जीरो होती है, ये बात ध्यान रखना। वन नहीं बोलना है कि एक एलिमेंट तो है नहीं, सिर्फ सिंगल जीरो एलिमेंट को रखने वाला वेक्टर सब स्पेस की डायमेंशन जीरो होती है, बिकॉज उसके बेसिस में कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर वहां पे नहीं है, जीरो इज लीनियरली डिपेंडेंट। फिर इस केस में डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन डायरेक्शन डब्ल्यू टू इज 10। तो ये दोनों रिजल्ट, पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स इस पर देखेंगे, उसके बाद हम इसे प्रूव करेंगे, ये सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, अब ये प्रॉब्लम है हमारे पास, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू दो सब स्पेसेस हैं क्यू थ्री के, ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स दैट इज क्यू क्रॉस क्यू क्रॉस क्यू, ओके। If W1 is generated by these two vectors and W2 is generated by these four vectors, तो dimension W1 की, W2 की, W1 intersection W की and W1 plus W2 की dimension आपने बतानी है। So देखिए सबसे पहले अब W1 and W2, W1 is subspace of Q3, so dimension of W1 is less than equals to dimension of Q3, that is 3. तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन आपके पास लेस देन इक्वल टू थ्री आनी चाहिए, ठीक है, थ्री तो नहीं हो सकती पॉसिबल बिकॉज दो से स्पैन हो रहा है, तो या तो दो रहेगी डब्ल्यू वन की डायमेंशन या वन रह सकती है, ओके। तो लेट अस चेक कि क्या रह सकती है यहाँ पे, जिनसे स्पैन हो रहा है उन सेट ऑफ वैक्टर्स में से हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर चूज करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्लेम करने, टू चेक these vectors 1 0 minus 1 and 2 1 3 are li, ये चेक करने जा रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास दो वेक्टर हैं, दो आपने फील्ड से स्केलर चूज कर लिए, a टाइम्स ऑफ 1 0 minus 1 plus b टाइम्स ऑफ 2 1 3 is equals to this vector, यहां पे बना a plus 2b, b minus a plus 3b is equals to 0 0 0, यहां से आपके पास आया b 0, b की वैल्यू जीरो रखने पे फर्स्ट या थर्ड से एक जीरो, इट मींस द सेट 1 0 minus 1 एंड 2 1 3 दीस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, स्पैन भी करते हैं w1 को, इट मींस दिस इज बेसिस, दिस सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है इज बेसिस ऑफ W1। अब basis of W1 का मतलब फिर dimension of W1 कितनी हो गई, ठीक है, इसी तरह dimension of W2 चेक करनी है हमने, और W2 is also subset of Q3, तो dimension of W2 भी less than equal to 3 रह सकती है। अब यहाँ पे four elements, four vectors दिए हुए हैं, उन चार में से कोई तीन linearly independent vector आपने चूज करने हैं, और वो कैसे आप चूज करेंगे, हिंट में यहाँ पे देखे छोड़ दूँ, आपने यहाँ डायमेंशन और डब्ल्यू टू निकालनी है, क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म बनाइए, चारों वेक्टर्स लिखिए, ओके, उनमें से जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आए दैट विल बी अवर डायमेंशन, और आपने चेक करना है कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू आएगी 3, ठीक है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू 3 आ गई। इसका मतलब है देखिए, एक रिजल्ट हमने पढ़ा था, डायमेंशन ऑफ इफ डब्ल्यू सब स्पेस है वी का, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू लेस देन डायमेंशन ऑफ वी, और ये इक्वल कब हो सकती है, मतलब है ये रिजल्ट डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ दिस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी, तो अगर डायमेंशन सेम है सब स्पेस की और वेक्टर स्पेस की, इट मींस दिस विल इंप्लाई डब्ल्यू टू इज इक्वल्स टू यू थ्री,
दोनों सेम है। ओके अब हमारे पास जो निकालने को रह गया है वो डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू की डायमेंशन और डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू की, एक इनमें से मिल जाए फिर तो हम वही डायमेंशन थ्योरम यूज करके एक जो रिमेनिंग होगा उसके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू है क्यू थ्री, ये पूरा होल वेक्टर स्पेस और ये उसका कोई सब स्पेस, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा छोटा पार्ट दैट इज डब्ल्यू वन। इसका मतलब हो गया डायमेंशन ऑफ, क्योंकि ये दो वेक्टर स्पेस इक्वल हो गए तो इनकी डायमेंशन भी क्या रहेगी इक्वल रहेगी, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन, और डब्ल्यू वन की डायमेंशन हमें पता है दैट इज टू। ठीक है इट मीन्स डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू हो गई है हमारे पास टू, देयर फोर डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू लीनियर सम की डायमेंशन अब हम थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं, माइनस डायमेंशन डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन है टू डब्ल्यू टू की है थ्री माइनस टू, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू की डायमेंशन हो गई हमारे पास थ्री। क्लियर इस तरह से काम करना है। देखिए इस प्रॉब्लम में यहाँ पे ये क्यू थ्री आने की वजह से, क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन इक्वल आ गई थी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू और डायमेंशन ऑफ क्यू थ्री, तो हम ये इजीली बता पाए डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू कितनी हमें टू मिल गई। बट अगर किसी केस में अगर ये डायमेंशन यहाँ पे क्यू थ्री नहीं आएगी तो फिर किस तरह से हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें हमारे पास डायमेंशन सॉरी डब्ल्यू वन आर फोर वेक्टर स्पेस है, उसके दो सब स्पेसेस डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू दिए हुए हैं और W1 स्पैन होता है S1 से, S1 कंटेन थ्री दीज थ्री वेक्टर्स एंड S2, W2 स्पैन होता है S2 से और S2 आल्सो कंटेन दीज थ्री वेक्टर्स। ठीक है तो बेसिस फाइंड करनी है W1 प्लस W2 की और W1 की, देन डायमेंशन बतानी है इन दो वेक्टर सब स्पेसेस की। तो सबसे पहला काम है कि आपने, क्योंकि ये स्पैन होते हैं सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट, चेक करने से हमें बेसिस मिल जाएगी W1 एंड W2 की, तो आपने सबसे पहला जो काम करना है चेक करना है कि S1 is li or no, S1 में से लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द बेसिस ऑफ W1। ठीक है ये करना है, सबसे पहले बेसिस ऑफ W1 हमें निकालना है, तो बेसिस ऑफ W1 के लिए इसमें से लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए और उसके लिए विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स ये S1 के तीनों वेक्टर्स मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने हैं और इसमें से लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आपने छांटने हैं। ठीक है और बताना है इसमें से मान लीजिए आप रिड्यूस करें और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन हमें लिखानी है टू, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन टू मतलब जो नॉन जीरो वेक्टर आ गए वो बेसिस में लिख देने हैं इसमें। ठीक है दो बेसिस में वेक्टर आ जाएंगे वहां से जो दो नॉन जीरो वेक्टर आएंगे, इसी तरह सेम थिंग आपने करनी है बेसिस निकालनी है ऑफ डब्ल्यू टू। आई नो पूछी नहीं गई है बट हमें डायमेंशन तो चाहिए ना डब्ल्यू टू की भी, तो इसी तरह आपने चेक करनी है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू भी हमें पता लग जाएगी, ये दोनों यू हैव टू डू। देन बेसिस ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इसके बारे में बताना चाहूंगी कि अगर ये मिलता है हमें तो ये हमारा काम ये वाला पोर्शन हो ही जाएगा और इसकी बेसिस हमें पता ही लग गई है यहाँ पे हमने इन निकाल लेनी है, तो डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू की मेनली हमें बेसिस पता करनी है। अब देखिए लीनियर सम की जब बात हुई थी जब हमने एक थ्योरम की है डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इज इक्वल्स टू स्पैन ऑफ एस वन यूनियन एस टू। ठीक है देखिए डब्ल्यू वन स्पेस एस वन से जनरेट हो रहा है, डब्ल्यू टू स्पेस एस टू से जनरेट हो रहा है, तो डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू जो जनरेट होता है वो एस वन यूनियन एस टू से जनरेट होता है। ठीक है ये रिजल्ट यहाँ पे ध्यान रखना, ये हमने पहले भी किया था। सो एस वन यूनियन एस टू का मतलब क्या है, एस वन में ये तीन एलिमेंट एस टू में ये तीन एलिमेंट, सो एस वन यूनियन एस टू मीन्स दीज सिक्स एलिमेंट्स एस वन यूनियन एस टू में आ गए। ठीक है अब स्पैन होता है इससे हमें चेक करनी है बेसिस, स्पैन तो हमें पता लग गया किससे हो रहा है, ठीक है दीज सिक्स वेक्टर्स से स्पैन हो रहा है, बट इन सिक्स वेक्टर्स में से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चूज करना है, सिंपल मैट्रिक्स बनानी है सिक्स वेक्टर्स को लिखना है और रो एलिमिनेशन लगा के लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का पता लगाना है। ठीक है
इन सिक्स वेक्टर्स की मैट्रिक्स बनानी है आपने, और रो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास डायमेंशन, मतलब ये रो ऑपरेशन लगाने के बाद हम देखेंगे कि तीन नॉन जीरो रो आ रही है, बाकी तीन रोज जीरो बन गई, ठीक है, ये तीन जीरो बन गई, दीज आर ऑल नॉन जीरो रोज। सो वो जो तीन नॉन जीरो रोज मिली हैं वो तीन वेक्टर स्पेसेस बना देंगे, किसकी, बेसिस ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू में वो तीन वेक्टर्स यहाँ पे होंगे जिन्होंने नॉन जीरो रोज रन की, ओके, एंड डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन हमारे पास डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू ये पता है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन हमें पता है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू भी हमें पता है, तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू में बन जाए, ठीक है, दिस इज थ्री टू टू, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू कितनी आएगी, वन, आई होप यू क्लियर है। ये देखिए थर्ड एग्जाम्पल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी दिए हुए हैं वो आप कर पाएंगे, बट ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे सारे अलग हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो देखिए सबसे पहले ये तीन आपके पास सबस्पेसेस दिए हुए हैं, ठीक है, सबसेट लिखा हुआ है, बट ये सबस्पेसेस बनेंगे क्या ये हम चेक कर सकते हैं, और ये चेक भी किए हैं हमने पहले, तो ये तीन सबस्पेसेस बनेंगे, सबस्पेसेस वी टू ओवर आर के। तो अब इन तीनों की डायमेंशन दिखानी है पहले, तो भी वन आएगी, देन डब्ल्यू वन डायरेक्ट सम डब्ल्यू टू, ठीक है, मान लीजिए बी वन कोई स्पेस बन गया डब्ल्यू वन डायरेक्ट सम डब्ल्यू टू, सबसे पहले तो ये डायरेक्ट सम चेक करेंगे, फिर उसके बेसिस में दो एलिमेंट होंगे, इस तरह डब्ल्यू वन डायरेक्ट सम डब्ल्यू थ्री की डायमेंशन टू आएगी, ये दिखाना है। सबसे पहले डब्ल्यू वन की डायमेंशन हमें चेक करनी है, तो देखिए डब्ल्यू वन के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स कैसे रहने हैं, ए कॉमा जीरो टाइप के, तो बेसिस ऑफ डब्ल्यू वन में क्या रहेगा हमारे पास, बेसिस ऑफ डब्ल्यू वन के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, दिस इज ए इज वन कॉमा जीरो टाइप के, तो ये एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आया, तो बेसिस ऑफ डब्ल्यू वन में कितना एलिमेंट आएगा, वन जीरो और एक, क्योंकि एक ही एलिमेंट है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और डब्ल्यू वन का कोई भी एलिमेंट होगी वो इसके हेल्प से लिखा जा सकता है, आपने कोई भी ए जीरो आर्बिट्ररी एलिमेंट दिया था डब्ल्यू वन का, वो ए टाइम्स वन जीरो लिखा जा सकता है, ठीक है, यही तो होता है ना, ये जो सेट दिया हुआ है ये डब्ल्यू वन, दिस डब्ल्यू वन को स्पैन करना चाहिए ना ये सेट, मान लीजिए दिस सेट इज एस, ये कोई एस सेट है विच कंटेन्स वेक्टर वन जीरो, तो ये जो सेट है ये क्या बनाएगा, बेसिस बना देगा इसके लिए, ठीक है, मान लीजिए इसका नाम होगा एस वन, सो एनी आर्बिट्ररी वेक्टर डब्ल्यू वन का वो इसके लिए कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है कि वेक्टर हम लीनियर इंडिपेंडेंट हुआ। लाइकवाइज डब्ल्यू टू का अगर कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लोगे जीरो बी, वो इस टाइप से लिखा जा सकता है बी टाइम जीरो वन, तो एनी सेट विच कंटेन्स दिस वेक्टर वो स्पैन कर देगा किसको, डब्ल्यू टू को, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये सेट से एस टू दैट इज जीरो कोमा वन, ये बेसिस बन जाएगा इसके लिए डब्ल्यू टू के लिए, इसकी डायमेंशन डब्ल्यू वन की डायमेंशन हो गई, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन वन, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू इज ऑल्सो वन, एंड थ्री, डब्ल्यू थ्री के अंदर कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है सी कोमा सी दैट इज सी टाइम्स वन वन, तो एनी स्पेस एनी सेट विच कंटेन्स ओनली दिस वेक्टर, उसके हेल्प से पूरे आप डब्ल्यू थ्री के एलिमेंट लिख सकते हैं, तो ये स्पेन कर रहा है, इसका मतलब क्या, डब्ल्यू थ्री स्पेन हो रहा है एल ऑफ एस थ्री से, इसका मतलब है ये बेसिस है, दिस इज बेसिस ऑफ डब्ल्यू थ्री, तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू थ्री भी हो गई कितनी वन, ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारा, इन्हों की डायमेंशन बताना। अब ये दो, तो सबसे पहले वी वन कैसे, मान लीजिए कि कोई वी वन सेट है दैट कैन बी रिटन एज डब्ल्यू वन डायरेक्शन W2, तो वो चेक करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, तो V1 डायरेक्शन W1 प्लस W2 है ये हम देखते हैं क्या करना है, V1 is equals to W1 डायरेक्शन W2 है ये चेक करना है, ये चेक करने का मतलब है फर्स्ट पार्ट V1 is linear sum of W1 and W2, सेकेंड थिंग
डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू में हमारे पास सिर्फ जीरो एलिमेंट को बनो। ये फर्स्ट पार्ट चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना पड़ेगा एक्स वाई जी वी वन से, और वो डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू टाइप का, ओके सॉरी ये वी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट किस तरह दिखेगा एक्स वाई टाइप का बिलोंग्स टू वी वन। अब क्या वो आर्बिट्री एलिमेंट डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू के लिए जैसे लिखा जा सकता है एक्स वाई इज इक्वल्स टू हमें पता है वन जीरो ये किसके एलिमेंट है डब्ल्यू वन के प्लस वाई टाइम्स जीरो वन ऐसे एलिमेंट डब्ल्यू टू के अंदर है। इसका मतलब हो गया आपका एक्स वाई एलिमेंट डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू में बिलोंग करता है। तो वी वन क्या हो गया सबसेट हो गया डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू का एंड डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू इज ऑल्सो सबसेट ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू और सबसेट ऑफ वी वन। क्यों इसमें से कोई भी एलिमेंट हो गया अगर इसमें से कोई एलिमेंट लिया ऑब्वियसली वो कहाँ पे होगा वी वन में भी होगा ठीक है। तो ये इसका सबसेट होता है तो दोनों कंबाइन करके हम लिख दिया वी वन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। अब एक काम रह गया एंड सेकेंड थिंग इज दोनों के इंटरसेक्शन में हमारे पास तो वो देखते हैं। उसके लिए भी क्या करना पड़ता है कि कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू में जाएगा। इसका मतलब क्या है दिस एक्स वाई एलिमेंट डब्ल्यू वन में भी है एंड दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू। अब कोई एलिमेंट डब्ल्यू वन के अंदर है और डब्ल्यू वन में सिर्फ ऐसे एलिमेंट है जिसमें फर्स्ट तो रियल रह सकता है बट सेकंड जीरो रहेगा क्योंकि ये डब्ल्यू वन में है सो दिस विल इंप्लाई वाई की वैल्यू जीरो होनी पड़ेगी। लाइकवाइज कोई एलिमेंट डब्ल्यू टू में बिलोंग करता है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट जीरो रहेगा सेकेंड नॉन जीरो दिस विल इंप्लाई एक्स जीरो एक्स और वाई दोनों जीरो। इसका मतलब ये जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था ये सिर्फ जीरो जीरो है जो कि बिलोंग करता है डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू ठीक है। सिंगलटन एलिमेंट हो गया देयरफॉर वी कैन राइट वी वन एज डब्ल्यू वन रिप्सम डब्ल्यू टू ठीक है। इतना पार्ट हो गया। अब डायमेंशन बतानी है इसकी डायमेंशन ऑफ वी वन मीन्स डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन डायरेक्टम डब्ल्यू टू डायरेक्टम की जो थ्योरम देखी थी डब्ल्यू वन डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इसकी तो सिर्फ जीरो एलिमेंट है इसकी डायमेंशन जीरो हो गई तो डब्ल्यू वन की डायमेंशन वन इसकी डायमेंशन भी वन तो इसकी डायमेंशन इतनी हो गई हमारे पास टू। लाइक वाइज आपने लेट कर लेना है क्योंकि अभी एक पार्ट और बाकी है ये ठीक है। इसकी डायमेंशन और दिखानी है उसके लिए लेट कर लेना है कोई वी टू वेक्टर स्पेस जो कि है कितना डब्ल्यू वन डायरेक्शन डब्ल्यू थ्री ये दिखाना है पहले तो देन उसकी डायमेंशन इस तरह से ठीक है डू इट योरसेल्फ। सो इस तरह से आपने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करनी है। थैंक यू।